बहुत जरूरी है मेरी उम्र के, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनसे माफी, क्योंकि ये ट्रेड फेयर की महफिल है, ट्रेड फेयर का मेला है और मेले में सब कुछ चलता है, समझ रहे हैं ना। कहते हैं फकीर का, हाँ सर, फकीर का दस्ते दुआ चलाता है, फकीर का दस्ते दुआ चलाता है और जहाज खुद नहीं खुदा चलाता है। बहुत कम आवाज है, चलाता है। जहाज खुद नहीं खुदा चलाता है। और तुम्हें खबर भी है मेले में घूमने वाले, तुझे खबर भी है ट्रेड फेयर में घूमने वाले, तेरी दुकान को भी दूसरा चलाता है। देखते हैं जो नाज़नीनों को, 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 कहना पड़ता है नुक्ता चीनों को, कहना पड़ता है नुक्ता चीनों को, देखते हैं। हाँ, एक ही समझ में आया। देखते हैं जो नाज़नीनों को, कहना पड़ता है नुक्ता चीनों को, जाने कितना हंसी वो खुद होगा, जाने कितना हंसी वो खुद होगा जिसने पैदा किया हसीनों को। आप लोग मजा लें, लेकिन ऐसा ही, क्योंकि क्या पेश करने की कोशिश करते हैं। ओ हुस्न को जो देखा है, हुस्न को जो देखा है, भीम के पसीनों से हुस्न को जो देखा है, भीम के पसीनों से हुस्न को जो देखा है, हुस्न को जो देखा है भीगते पसीनों में, हुस्न को जो देखा है भीगते पसीनों में, हुस्न को जो देखा है भीगते पसीनों में, हुस्न को जो देखा है भीगते पसीनों में। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे हिंदुस्तान के रखवाले, रक्षा जो करते हैं, उन्होंने आके हमारा हौसला बढ़ाया। कहते हैं क्या कहने, आज ये आज तूफानी हवाओं से मिला सकता हूँ, हाँ सर, ये आज तूफानी हवाओं से मिला सकता हूँ और मैं वफादार हूँ सर अपना कटा सकता हूँ, मादरे हिंद की इज्जत को बचाने के लिए, मादरे हिंद की इज्जत को बचाने के लिए
अपने बच्चों को भी मैदान में ला सकता महफिल की जान है। पांच मिनट कहते हैं, सुन ले। इंजॉय का माहौल चल रहा है और आपसे तवज्जो माफी के साथ। बाबा जी आप बुरा ना मानिए, ये खुशी का मौका है। नहीं हमें मालूम है, लेकिन ओ हुस्न को जो देखा है, हुस्न को जो देखा है, भीगते पसीनों में आग सी सुलगती है, आग सी सुलगती है आशिकों के सीने में, आग की सुलग लगती है आशिकों के सीने में। और गजल का सबसे हसीन शेर, हाँ सर आप बहुत गौर से देख रहे हैं, ये शेर आप ही के लिए है। हुस्न वाले वफा नहीं करते, शायद आपके समझ में आ जाए। हुस्न वाले वफा इश्क़ वाले दफा नहीं करते, क्या बात है, क्या बात है। हुस्न वाले वफा नहीं करते, इश्क़ वाले दगा नहीं करते। जुल्म करना तो इनकी आदत है, जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। काली जुल्फे हैं चांद जैसे मुखड़े पर, काली काली जुल्फे चांद जैसे मुखड़े पर, चार मिसरे मैं भी लगाना चाहता हूँ। तवज्जो, काली काली जुल्फे कैसे के उलझी जो उनकी जुल्फ, उलझी जो उनकी जुल्फ तो शमशीर बन गई, उलझी जो उनकी जुल्फ तो जंजीर बन गई, उलझी जो उनकी जुल्फ तो जंजीर बन गई, और चमकी जो बर्क तेज तो शमशीर बन गई। और मैंने तो यूं ही खाक पे फेरी थी उंगलियां, मैंने तो यूं ही खाक पे फेरी थी उंगलियां, ना जाने किस तरह तेरी तस्वीर बन गई। काली काली जुल्फे चांद जैसे मुखड़े पर, काली काली जुल्फे चांद जैसे मुखड़े पर, काली काली। फिर आपको मैं समझा, उसने रुख से हटा के बालों को, उसने रुख से हटा के बालों को रास्ता दे दिया उजालों को, उसने रुख से हटा के बालों को
रास्ता दे दिया उजाला को, और सिर्फ हल्के से एक तबस्सुम ने तेरे मुस्कुराए, सिर्फ हल्के से एक तबस्सुम ने तेरे कर दिया हल मेरे सवालों को। काली का नुजुल पे है चांद जैसे मुखड़े पर, कैसे है कि जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, अजी कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। जब वो मेरे करीब, हाँ बाबा जी सुन के जरा तवज्जो, यही खड़े खड़े, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए, कि बस उनको देखकर ही के पलटी ही थी नजर, कि बस उनको देखकर ही के पलटी ही थी नजर, महसूस ये हुआ कि जमाने गुजर गए। काली काली जुल्फे, एक शेर में ही बोलना चाहता हूं कि बेवफा हो उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, और हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, और नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। आके इन हसीनों में हिंदुस्तान के मशहूर शायर किस अंदाज में देते हैं कि हुस्न देता है दावते जलवा, ये हुस्न देता है दावते जलवा, ये पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, मियां कितना बदनाम हो गया हूं मैं, ये लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। हाँ डॉक्टर सर बैठे हैं मेरे, हाँ सर आपसे तो जाऊंगा कि तू डूबने से यकीनन मुझे बचा लेगा, तू डूबने से यकीनन मुझे बचा लेगा, मगर मुझे तेरा एहसान मार डालेगा, और अदालत इसको गिरफ्तार कर नहीं सकती, सर माफी के साथ, अदालत इनको गिरफ्तार कर नहीं सकती, ये चश्मदीद गवाहों को मार डालेगा। आखिरी शेर, छोड़ दो मुनव्वर तुम अब वफा परस्ती को, हिंदुस्तान के
जनाब काबुलम मेरठी साहब से है ना। अब अच्छे तो वो ही सुना था उन्होंने, कहा उन्होंने पेश में करें किस अंदाज में गौर करें। हमारे हमारे पास भी कोठी व कार थोड़ी है, हमारे पास कोठी व कार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ, न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ, बस एक बीवी पे बस एक बीवी पे दारो मदार हो। छोड़ दो मुनव्वर इस महफिल में, इस महफिल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी मम्मी भी आए हुए हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज उनके सामने बैठ के परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, और जैसी माँ मेरी है अल्लाह पाक ऐसी माँ सबको दे, कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, और मैं अब तनहा नहीं चलता दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मशहूर शायर किस अंदाज में कहते हैं सुनने की बात है, यारब अभी होगी बिल्कुल होगी, यारब निकाहे यार पे लाइसेंस क्यों नहीं, यारब सुनने की बात है, यारब निकाहे यार पे लाइसेंस क्यों नहीं, समझ रहे हैं आप, यारब निकाहे यार पे लाइसेंस क्यों नहीं, ये भी तो कत्ल करती हैं तलवार की तरह। छोड़ दो मुनव्वर तुम अब परस्ती को हुस्न वाले कातिल है दिल नहीं है सीधो फसल का आखिरी चार मिसरे अगर आपने गौर से नहीं सुने तो कुछ भी नहीं सुना। तेरी तस्वीर निगाहों में बसी रहती है, तेरी तस्वीर निगाहों में बसी रहती है, और जिंदगी तेरे ख्यालों में ढली रहती है, और जब तक तुझसे मुलाकात ना हो जाने जा, जब तक तुझसे मुलाकात ना हो जाने जा, इश्क की आग मेरे दिल में लगी रहती है। बहुत शुक्रिया।